नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक्टी गुरु की इस स्पेशल करंट अफेयर सीरीज़ में। दोस्तों, आज जिस सीरीज़ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हम इसमें बात किया करेंगे आने वाले दिनों में आपके जो भी क्वेश्चंस, आपके जो भी पेपर्स होने वाले हैं उसमें एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर एक एपिसोड में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे विद ऑप्शंस, और कोशिश करेंगे कि आपको उनकी थोड़ी डिटेल के बारे में बताया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो रॉन्ग ऑप्शंस हमने दी हैं, राइट तो हम जानने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो रॉन्ग ऑप्शंस दी हैं वो भी किसी न किसी कारण से दी गई हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि इनसे आगे कौन कौन से सवाल पैदा हो सकते हैं। और साथ के साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि इन ऑप्शंस में जो यूज़ किए गए इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाए, ताकि उनसे अगर कोई सवाल पैदा होता है तो उसका भी आप अच्छे से सही से उत्तर दे पाएँ। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपने लिखा है, सेंगोल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली रेफर्स टू वॉट, और इसी का हिंदी में अनुवाद भी आप नीचे देख पाएंगे। लिखा है, हाल ही में खबरों में रहा सेंगोल शब्द, किस सेंगोल शब्द का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन हमारा है, द सिंबल ऑफ सोवरेन पोलिटिकल पावर इंस्टॉल्ड इन द न्यू लोकसभा। द सेकेंड ऑप्शन इज द सेरेमनी परफॉर्म्ड एट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू लोकसभा। द थर्ड ऑप्शन इज द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। द फोर्थ ऑप्शन इज द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला। एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। और हिंदी में आपने लिखा है, सेंगोल का अर्थ है नई लोकसभा में स्थापित किया गया संप्रभु राजनीतिक शक्ति का प्रतीक। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, नई लोकसभा के उद्घाटन के अवसर पर हुआ समारोह। तीसरा है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल कटाई का पारंपरिक उत्सव। चौथा ऑप्शन है, केरल में मनाया जाने वाला कटाई का पारंपरिक उत्सव। और पांचवा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ रहे हैं, मीडिया सुन रहे हैं, चर्चा है आजकल इस मुद्दे की चारों ओर, तो आपका जो करेक्ट आंसर है कि सिंगोल क्या है वो बनता है इसमें वन, यानी ऑप्शन ए। आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो भी देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर एक गोल्डन से कलर में एक स्टिक या छड़ी की तस्वीर है, इसी को सेंगोल बोला जाता है। तो अब यह खबरों में क्यों रहा है, क्या इसका महत्व है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लिए चलता हूं अगली स्लाइड पर, आप देख पाएंगे। अगली स्लाइड पर आप अपने सामने एक नई बिल्डिंग देख रहे हैं। ये बिल्डिंग है नई लोकसभा की। जैसा कि आप जानते हैं, अभी दो तीन दिन पहले हमारी जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये जो नई बिल्डिंग है, जब ये कंप्लीट हुई है तो इस बारे में काफ़ी चर्चा उठी थी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है, भारत के अंतिम वॉइस राय थे, गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने जब पावर जो है अंग्रेज हाथों से भारतीय हाथों में सौंपी थी, एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, तो उसके प्रतीक के तौर पर एक सेंगोल हमारे उस समय के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनको दिया था। इस तरह की काफ़ी खबरें आई हैं कि ये जो सेंगोल है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का सिंबल है, ऐसे दरअसल ऐसा है कि पुराने ज़माने में, जैसे अगर आप चोला टाइम की बात करें, क्योंकि ये जो प्रथा है ये बहुत ही पुरानी है, अगर आप इतिहास के दस्तावेज़ खंगालें तो आपको मालूम पड़ेगा कि सेंगोल देने लेने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। तो अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रथा कम से कम चोला टाइम से चली आ रही, यानी उस ज़माने में जब सत्ता एक राजा से दूसरे राजा को पहुंचती थी, ट्रांसफ़र होती थी, हस्तांतरित होती थी, तो उसको देने का माध्यम था सेंगोल। यानी जिस व्यक्ति के पास भी वो सेंगोल है, यानी ये सोने की छड़ी है, वो वहाँ का राज्य का शासक है, उस देश का शासक है। तो उस ज़माने से प्रथा चली आ रही है। अब उस ज़माने में कहा जाता है कि जो सेंगोल था वो सोने का बना होता था। मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि वाकई सोने का बना होता था, लेकिन जो मोदी जी को सेंगोल सौंपा गया है, साउथ के मंदिरों के कुछ मठाधीश हैं, काफ़ी सारे प्रतिष्ठित संत हैं,
उन्होंने मिलजुल के ये सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा है और इसे लोकसभा स्पीकर की जो सीट है उसके बगल में स्थापित किया गया है। यानी कहा जाए तो एक तरह से ऐसा है कि जो हमारी नई गौरवशाली लोकसभा है उसके अंदर हमारी सरकार की सत्ता का प्रतीक है, ये उसका एक सूचक है। तो ये जो सेंगोल है लोकसभा में स्थापित किया गया है, कहा गया है कि इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है लेकिन अंदर से ये चांदी का बना है। दैट इज़ नॉट वेरी रेलेवेंट टू यू एज ए क्वेश्चन, बट इससे जुड़े और जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ एक रेलेवेंट, कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसकी तुलना में अगर आप पुरानी लोकसभा की बिल्डिंग की बात करें तो वो कब बनाई गई थी, तो आप नोट कर सकते हैं पुरानी लोकसभा हमारी बननी शुरू हुई थी 1921 में। यानी अंग्रेज लोगों ने जब कलकत्ता से भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली शिफ्ट की, और आपको याद होगा वो जो वर्ष था वो था 1911 व्हेन इंडियाज कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, जब नई दिल्ली की शुरुआत हुई है। आपको पता होगा नई दिल्ली को किसने डिजाइन किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो नई दिल्ली वाला एरिया है, जैसे आज आप कनॉट प्लेस बोलते हैं, पार्लियामेंट हाउस वाला एरिया बोलते हैं, दैट वाज डिजाइन बाय टू आर्किटेक्ट, वन ऑफ देम वाज ल्यूटियंस, LUTYENS, एडवर्ड ल्यूटियंस, और इसी कारण से इसको बोला जाता है ल्यूटियंस दिल्ली। तो वो जो सेंट्रल दिल्ली वाला एरिया है दैट इज ल्यूटियंस दिल्ली, इसी कारण से। दूसरे जो आर्किटेक्ट इसके थे उनका नाम था बेकर, हालांकि ज्यादा नाम इसमें ल्यूटियंस का लिया जाता है बट उनके साथ बेकर भी थे। तो इन दोनों ने मिलकर नई दिल्ली का जो डिजाइन है वो तैयार किया, और उस एरिया में पार्लियामेंट हाउस भी आता है, राष्ट्रपति भवन भी आता है, जिसका उस जमाने में नाम कुछ और होता था। तो नोट करिए इस बिल्डिंग की शुरुआत जो लोकसभा की बनने की शुरुआत है 1921 में हुई और ये ख़त्म हुई है 1927 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नई की तुलना में पुरानी कब बननी शुरू हुई थी, तो पुरानी जो है बननी शुरू हुई थी 1921 में और कंप्लीट हुई है 1927 में। जब ये लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइंड बिल्डिंग बनी है, पार्लियामेंट हाउस बना है, तो उस समय इसमें कितने की कैपेसिटी थी, हालांकि कैपेसिटी तो शायद आपको ना पूछे बट ये ज़रूर पूछ सकता है कि आज की डेट में पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं और जो नई बनाई गई है उसमें कितनों की व्यवस्था की गई है। तो नोट कर ले ध्यान से, आज अगर आप बात करें तो लोकसभा में जो टोटल परमिशिबल मेंबरशिप है उसकी संख्या है 545, यानी 545। इसमें से दो मेंबर नॉमिनेटेड होते थे, मैं थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो प्रोविजन अब खत्म हो गया है, तो 543 इसमें इलेक्टेड है। जबकि राज्यसभा में टोटल जो मेंबरशिप है 250 है, ये आपको मालूम है। तो मिला जुला के देखे तो दोनों की जो कंबाइंड सीटिंग कैपेसिटी है मेंबर्स की वो थी 795, यानी 795। अब इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में जो नया पार्लियामेंट है उसमें कितने मेंबरों के बैठने की व्यवस्था है, तो नोट कर लें नई लोकसभा में टोटल जो कैपेसिटी है दैट इज 888, यानी 888, और नई राज्यसभा है उसमें जो कैपेसिटी है दैट इज 384। तो आप दोनों को जोड़ लें तो जो नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उसमें टोटल जो सदस्य हैं उनके बैठने का कैपेसिटी है 1272, यानी 1727। देखिए फिलहाल इतने मेंबर हैं नहीं, आपको मालूम है फिलहाल जो मेंबर हैं वो 795 हैं जिनके बैठने की व्यवस्था होनी थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा कैपेसिटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि आने वाले एक दो साल के अंदर, ऐसी पिछले एक दो दिनों में खबरें आई हैं कि लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें हैं इनका रिकैलिब्रेशन होगा, इनकी संख्या दोबारा निर्धारित की जाएगी, और ये चीज़ बहुत देर से पेंडिंग पड़ी है, बहुत देर से पेंडिंग है। और रियलिटी में अब ये भी खबर आई है कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले हमारा नया सेंसस होने जा रहा है। इस बात की कन्फर्म इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि नया सेंसस होने जा रहा है जो कि कोविड के कारण पोस्टपोन हुआ था। तो जो ही ये नई जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो आप देखेंगे
कि लोकसभा राज्यसभा में सीटों की जो पुनर्निर्धारण की काम है वो शुरू हो जाएगा, यानी रिकैलकुलेशन होगी, क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़नी चाहिए। फिलहाल ये जो लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं इनका नंबर फिक्स्ड है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 का सेंसस। ये आप नोट कर लें, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो कौन से सेंसस पर आधारित है। तो नोट कर ले, 71 का जो सेंसस है यानी 50 से ऊपर साल हो चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 साल में भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ी, और उसका कारण ये है कि इस पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है 2025 तक। एक डीलिमिटेशन कमीशन बनता है, डीलिमिटेशन कमीशन तय करेगा कि लोकसभा में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। उसकी रिपोर्ट आने के बावजूद सरकार ने इस पर कुछ पाबंदी लगा रखी क्योंकि कुछ एक स्टेटों को एतराज था। लेकिन अब ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि 24 के अंदर चुनाव होंगे, उससे पहले सेंसस होगा, और 25 के बाद डेफिनेटली इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। तो उसके मद्देनजर, उसको देखते हुए तय किया गया है कि नए पार्लियामेंट में जो सीटों की कैपेसिटी है वो काफी हद तक बढ़ाई जाएगी। तो आप ये फिगर नोट कर लें, 1272 की फिगर, पुरानी में 795 थे, पुराना बिल्डिंग लोकसभा का 1927 में बना था, ये भी नोट कर लें। अगला जो आपका डिलिमिटेशन है वो 25 के बाद होगा, और ये कुछ एक रेलेवेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको मैंने बताए हैं। आइए अब चलते हैं थोड़ा पिछली स्लाइड पर दोबारा, कुछ एक और हमारे पास ऑप्शन थी उसकी हम बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने लिखा था द सेरेमनी डन एट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू लोकसभा। देखिए, जहां तक मुझे पता है नई लोकसभा का इनॉग्रेशन पर जो सेरेमनी हुआ है उसका कोई खास नाम नहीं रखा गया, जहां तक मुझे मालूम है, तो इसको हम आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इरेलीवेंट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन हमारी है द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, नाम नोट कर लें। जैसे इधर हमारे नॉर्थ में बैसाखी होता है, तो वहां जो ये फेस्टिवल है बैसाखी का बराबर का, इसको बोला जाता है पोंगल, PONGAL, नोट कर ले ध्यान से। इसी तरह से जो केरल में मनाया जाता है बैसाखी का त्योहार, इसी समय फसल कटाई होती है लगभग, इसको बोलते हैं हम ओनम, ONAM। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, कुछ एक और इंटरेस्टिंग बातें आपको मैंने बताई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं हमारे लिए क्या खास क्वेश्चन है। सॉरी, हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, विच स्विस बैंक रिसेंटली कम टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, कौन सा स्विस बैंक हाल ही में वित्तीय संकट का शिकार हो गया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, UBS ग्रुप, सेकंड ऑप्शन इज क्रेडिट सुई, इसको अंग्रेजी में सुई बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन है SVB, मैं इसका पूरा नाम आपके लिए लिख देता हूं, SVB का अर्थ होता है सिलिकन वैली बैंक। तो आप नोट कर लें, ये काफी चर्चा में रहा, इसके बारे में थोड़े डिटेल में भी बात करेंगे, सिलिकन वैली बैंक, ये अमेरिकन बैंक है। इसी तरह से आपके पास चौथी ऑप्शन है ज्यूरिख कैंटोनल बैंक, एंड देन देयर इज जूलियस बायर बैंक। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप मीडिया को फॉलो करते रहे तो आपका राइट आंसर इसमें बनेगा क्रेडिट सुई। देखिए, क्रेडिट सुई स्विट्जरलैंड का बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और पिछले 1-1.5 साल से कुछ खबरें आ रही थी कि यह फाइनेंशियल ट्रबल में है, लेकिन इतनी जल्दी ये बंद हो जाएगा, इसका शिकार हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, बट अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि ये बंद हो गया। लेकिन उससे पहले अमेरिका का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो स्पेसिफिकली बैंकिंग का सेक्टर है, उसमें काफ़ी देर से संकट के बादल छाए हुए हैं, और कम से कम 3 बड़े बैंक वहां पर बंद हो चुके हैं। उनके नाम मैं आपको लिखवा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो 2-3 महीने पहले बैंक बंद हुआ था वो था सिलिकन वैली बैंक, जिसका नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलिकन वैली बैंक सबसे पहले ये बंद हुआ था। दूसरे नंबर पर बंद हुआ है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, और तीसरा बैंक जो हाल ही में बंद हुआ, को 15-20 दिन पहले की बात है, वो है वहां का सिग्नेचर बैंक। ये जो बंद होने वाले तीनों बैंक है, ध्यान दें, ये अमेरिकन बैंक है, सिलिकन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये तीनों बैंक अमेरिकन है, वहां पे वित्तीय क्षेत्र में काफी संकट गहराया हुआ है,
तरह तरह के कारण हैं जिनसे बैंक बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन इनमें जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो है क्रेडिट सुई। जहां तक सिलिकन वैली बैंक के बंद होने का संबंध, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। अगर आपको कोई पूछे कि किस कारण से बंद हुआ है या जो क्रेडिट सुई है वो किस कारण से बंद है, वो भी आपको थोड़ा सा अंदाजा मैं दे देता हूं। देखिए, क्रेडिट सुई के बंद होने का मेजर कारण है इसकी ओर से 81 बॉन्ड इशू करना। नोट कर ले ध्यान से, 81 यानी 80 का मतलब है एडिशनल टायर वन बॉन्ड। ये बॉन्ड इशू करके इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एडिशनल टायर वन बॉन्ड 81 बॉन्ड इसको जारी करना इसके लिए मुसीबत का कारण बन गया। बस आप इतना नोट कर ले, इतना बहुत है हमारे पर्पस के लिए। सिलिकन वैली बैंक के बंद होने का कारण ये था कि कुछ ऐसी खबर फैली कि इसके पास अपने डिपॉजिटर को देने के लिए पैसे नहीं है। और आपको मालूम है कि बाजार में अगर ऐसी नेगेटिव खबर फैलेगी तो बहुत बुरा असर होता है, बैंक के बाहर ग्राहक की लाइन लग जाती है, और जब लाइन लग जाती है बैंक को उनको पैसे देने हैं, तो ये बात तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी बैंक डिपॉजिटर का पैसा सारे का सारा अपने पास कैश में नहीं रखता है। उस पैसे से बॉन्ड खरीदे जाते हैं, उस पैसे से लोन दिए जाते हैं, थोड़ा सा पैसा अपने पास रखा जाता है। तो इस तरह से काम चलाया जाता है। बैंकिंग जो है वो ट्रस्ट पे चलती है, विश्वास का धंधा है। लेकिन जब सारे ग्राहक किसी बैंक के डिपॉजिट लेने आ जाएं और वो पैसे देने को बैंक के पास नहीं है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो सिलिकन वैली बैंक में क्या हुआ, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं देयर वॉज अ बैंक रन। इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, काफी चर्चा में रहा है, न्यूज़पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज ए बैंक रन। तो बैंक रन का सिंपल मीनिंग ये है कि बैंक के सारे डिपॉजिटर लाइन बना के खड़े हो गए कि भाई साहब हमारा पैसा दे दो, और बैंक के पास उनको देने के लिए कैश नहीं है। सो देयर इज ए बैंक रन, सिंपल हिंदी में हम बोलेंगे बैंक का निकल गया दिवाला। तो टेक्निकली तो किसी भी बैंक का दिवाला एक सेकंड में निकाला जा सकता है, बड़े से बड़े बैंक का निकल सकता है, क्योंकि सारा जो डिपॉजिटर का मनी है वो बैंक के अंदर कैश नहीं रखा हुआ। और थ्रेटिकली अगर सारे वहां लाइन लगा के खड़े हो जाए कि भाई साहब मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, तो बैंक के पास नहीं है देने को पैसा। तो बैंक इसी विश्वास पे चल रहा है कि सारे ग्राहक एक ही समय पर पैसा लेने नहीं आएंगे। सो देयर वाज ए बैंक रन। इट अप टर्म नोट कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये बात तो थी, बाकी ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शंस है, इनका कोई संबंध नहीं है। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। आज के आपने लिखा है द लेटेस्ट UNFPA रिपोर्ट कॉल्स डैश द थर्ड मोस्ट पॉपुलर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी जो UNFPA की रिपोर्ट है। तो पहले तो नाम नोट कर ले, UNFPA है क्या? दिस इज UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, यानी UNO का वो एजेंसी है जो पॉपुलेशन से जुड़ी गतिविधियां करता है। आपने नोट किया होगा पीछे मीडिया में काफी खबरें आई कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। दैट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। हालांकि ये कंफर्म तो है, लगभग ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। मेरा हंच ये है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, इस साल भी होगा। और आमतौर पर UNFPA की जो रिपोर्ट है कि दुनिया की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, 11 जुलाई को आती है। हालांकि इनफॉर्मली हमें पता है कि क्या होने वाला है। तो 11 जुलाई को इसकी ओर से आधिकारिक घोषणा होगी, ऑफिशियल नोटिस आएगा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। आपका सवाल अब ये है कि तीसरे नंबर पर कौन है? तो नोट कर ले, आपका करेक्ट आंसर है अमेरिका, द USA, और इसका जो अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है विद अ बिट ऑफ प्लस एंड माइनस वुड बी अराउंड 33 करोड़। तो इंडिया का पॉपुलेशन एज पर दीज डेटा इज मोर देन 143 करोड़, चाइना का हमसे मामूली सा कम है, और USA का 33 करोड़ है। तो दैट कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से नोट कर लें। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच इंडियन स्टेट
सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी एज गुड़ी पड़वा। आपको मालूम है जो बैसाखी का त्यौहार है पंजाब में खास तौर से बहुत धूमधाम से मनाते हैं, फसलें काटते हैं, किसान खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन बैसाखी वाले दिन दो और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे जो आपको पता होने चाहिए, खास तौर से जो पंजाब एरिया में रहने वाले लोग हैं। एक तो इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, सिखों के 10वें गुरु हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी बैसाखी वाले दिन। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो जलियांवाला बाग का है, यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो हुआ था, जिसका बदला ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर लंदन में लिया। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब सवाल ये है कि बैसाखी को महाराष्ट्र में किस दिन के नाम से बुलाते हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर बैसाखी को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, ये ध्यान से नोट कर लें। तमिलनाडु में क्या कहते हैं अभी हम बात कर कहते हैं, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, तमिलनाडु में इसी चीज को बोलते हैं पोंगल। और दूसरा हमारा पॉइंट है केरल, अभी हम वो बात कर कहते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां बोलते हैं हम ओनम। तो इस तरह के जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान से नोट कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आई, इसी को बिहू बोला जाता है असम में। बिहू जो है वो असम में एक फेस्टिवल है, जो हार्वेस्ट कटाई का जो फेस्टिवल है, फसल काटने का फेस्टिवल है। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगली स्क्रीन पर हमारे लिए क्या लिखा है। पांचवा क्वेश्चन, बेसिकली अ शेल कंपनी इज व्हाट, यानी मूल रूप से शेल कंपनी क्या होती है। देखिए पिछले कुछ एक महीनों में शेल कंपनी की बहुत चर्चा रही है, आपने पढ़ा होगा सुना होगा, अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं बाजार में उनकी खूब पिटाई हुई है, खूब धुलाई हुई है, बहुत रिकॉर्ड लो पे जा चुके हैं। और उसका कारण ये था कि किसी अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने इन पर कुछ घोटाला करने के आरोप लगाए थे। घोटाला क्या था, एक तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो अडानी वाले भाई साहब हैं ये विदेशों में शेल कंपनियां बनाते हैं, अडानी वाले जो भाई साहब हैं ये विदेशों में शेल कंपनियां बनाते हैं। तो शेल कंपनी क्या होती है थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा नाम से ही आपको जाहिर है कि शेल होता है कवच यानी खोल। तो अब अगर किसी जानवर के शरीर के ऊपर एक शेल डाल दिया जाए तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह से शेल कंपनी क्या है, शेल कंपनी वो है जिसका आउटर आपको दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर उसके कुछ नहीं है, यानी नाम मात्र की कंपनी है, कोई काम नहीं करती है, देखने में कंपनी नजर आ रही है अंदर उसके कुछ नहीं है। तो अडानी भाई साहब पर यह आरोप लगाया गया था कि ये लोग अपना पैसा बाहर भेजते हैं, मॉरिशस फिजी जैसे देशों में भेजते हैं, वहां क्या करते हैं अपने किसी भाई बंधु को भेजकर एक छोटी मोटी जाली कंपनी शुरू कर देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो शेल कंपनी होती है वो एक तरह की फ्रॉड कंपनी है, वो एक तरह की फेक कंपनी है, वो जाली कंपनी है ओनली इन नेम। बस छोटा सा दफ्तर खोला, एक फोन रखा, एड्रेस दिया चिट्ठी पत्री का, कोई वहां काम नहीं होता, कुछ नहीं होता वहां पे। करना क्या है, अडानी भाई साहब ने आरोप लगाया गया ये कि इन्होंने अपना पैसा वहां भेजा, अपने किसी भाई बंधु को भेजा और उस बंदे के जरिए इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट से अपने ही शेयर उसके जरिए खरीदवाए गए। यानी उस बंदे को बोला भाई साहब वहां बैठो, मेरे पैसे से मेरे ही शेयर खरीदो। अब आप कहेंगे अपने पैसे से मैं अपने ही शेयर क्यों खरीदूंगा, मैं खुद सीधे क्यों नहीं खरीद सकता। देखिए ऐसा है, खुद मैं इसलिए नहीं खरीद सकता, सेबी ने मेरे ऊपर रोक लगा रखी है, मेरे पास पहले ही बड़े शेयर हैं, लीगल लिमिट के आसपास है, उससे ज्यादा मैं खरीद नहीं सकता अपने शेयर, अपने पास नहीं रख सकता। तो मैं क्या करता हूं, आपने एक ट्रस्टेड बंदे को बाहर भेजा, पैसा दिया, बोला भाई साहब आप वहां जाके शेयर ना अपने नाम पे यहां से खरीद लो, लेकिन वो बंदा है किसका, है तो वो मेरा, पैसा किसका, है तो वो मेरा। तो इन अ वे वो जो शेयर है मेरे ही तो हैं, तो बिना सरकार के कानून का उल्लंघन किए मैंने ज्यादा शेयर खरीद लिए, यही अडानी भाई साहब चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए शेल कंपनी का इस्तेमाल किया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है यहां पर ओनली इन नेम विद नो रियल फंक्शंस, कोई काम नहीं है। अच्छा इसी से जुड़े एक और सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से शेल कंपनी करती क्या है ये पूछा जाएगा, वो करती है राउंड ट्रिपिंग। नोट कर लीजिए राउंड ट्रिपिंग, देखिए राउंड ट्रिपिंग का सिंपल हिंदी में हम बोलेंगे इसकी टोपी इसको घुमाना,
यानी पैसे तो घुमाना है, मेरा पैसा अडानी का पैसा अपने ही बंदे को भेजा और उसने वो पैसा फिर इंडिया वापस भेज दिया, तो हुआ क्या, ए से पैसा बी को, बी से पैसा सी को, सी से पैसा फिर ए को, तो ये है राउंड ट्रिपिंग यानी फंड्स को घुमाना। तो आप नोट कर लें, ये भी इससे जुड़ी हुई बात है, शेल कंपनी क्या करती है, राउंड ट्रिपिंग करती है पैसे की। जहां तक इसकी बात है कि वो कंपनी जिसके शेयरों के दाम कम है, पहली ऑप्शन है, नोट कर लें, ऐसी कंपनी को बोला जाता है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक यानी जिसके शेयरों के दाम बहुत ही कम हो, 4 रुपए दाम है, 6 रुपए दाम है, 8 रुपए दाम है, पेनी स्टॉक। बाकी जो ऑप्शन आपने लिखे, जिसका खराब डिविडेंड पेमेंट का रिकॉर्ड हो, ऐसा कोई खास टर्म है नहीं। इसी तरह से सी के लिए कोई खास टर्म नहीं है और ई के लिए भी कोई खास टर्म नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, देखते हैं हमारे लिए क्या है। न्यू पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी सरकार ने बनाई है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है पहले मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन में मोटे तौर पर बेसिकली फर्क क्या है, जिसके बारे में बहुत डिबेट है, जिसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है और ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर है टीवी सोमानाथन, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी है। इनको कहा गया है कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है और जो न्यू पेंशन सिस्टम है, इसके बीच का जो डिस्प्यूट है इसे सॉल्व करिए। अब डिस्प्यूट को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार ने डिसाइड किया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किए हैं, नोट कर लें डेट, 1 जनवरी 2004 के बाद जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किए हैं, देखिए यहां मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग कैटेगरी इसमें शामिल नहीं है, बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। अब पुरानी पेंशन क्या होती थी, देखिए कोई बंदे की सैलरी अगर 50,000 है तो पुरानी पेंशन के हिसाब से उसको 25,000 की पेंशन मिल जाएगी। मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं, आपकी रिटायरमेंट पर सैलरी है 50,000, तो आपको क्लियर पता होता था भाई साहब मुझे 25,000 की पेंशन मिल जाएगी, 50% की पेंशन मिल जाएगी, डिफाइंड है, बिल्कुल क्लियर है, गारंटेड है। लेकिन नई पेंशन जो स्कीम है उसमें किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है, यहां मुद्दा है। मिलेगा क्या कुछ पता नहीं, मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिलेगा जरूर, कितना मिलेगा यह मालूम नहीं है। तो अब हुआ क्या कि पीछे 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, जो चुनाव लड़ रहे थे उन लोगों से वादा कर दिए कि हम आपको पुरानी पेंशन देंगे, और हुआ ये कि चुनाव जीत गए, अब वो लोग डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने नई पेंशन लागू कर दी। अब डिस्प्यूट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच। तो इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, नाम नोट कर लें, इसका भी नाम नोट कर लें, एनपीएस का, कब से लागू हुई थी, 2004 की जनवरी से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है सातवें क्वेश्चन में। द गवर्नमेंट हैज ओकेड द प्रपोजल टू सेट अप एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर इन विच स्टेट। मैं आपको थोड़ा सा इसका नाम बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है सवाल आपसे कि इसका नाम क्या है। तो नोट कर ले ध्यान से, जो डिटेक्टर है उसका नाम है लीगो, मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं, लेजर इंटरफेरोमीटर। देखिए आपको पूछेगा कोई नहीं, लेकिन जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं लिख रहा हूं, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो। देखिए इंडिया में इसका आना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जिस मुद्दे पर रिसर्च कर रही है, ये रिसर्च कर रही है ब्लैक होल के ऊपर। आपको याद होगा कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसमें ब्लैक होल का प्रेडिक्शन किया गया था, लेकिन पिछले 100 साल से हमें उसका कोई सबूत नहीं मिला था। इस लीगो की टीम, जो कि लीगो की मेन लैब अमेरिका में है दो जगह पे, इन्होंने आज से 6-7 साल पहले उस लैब का इस्तेमाल करके हमें 2 ब्लैक होल के टकराने की आवाज सुनाई थी, 2 ब्लैक होल के टकराने की आवाज सुनाई थी, वो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अब आप अगर ब्लैक होल
की आवाज आपने सुन ली है तो ब्लैक होल भी होते हैं, ये कंक्लूजन तो बिल्कुल नेचुरल है। और इस डिस्कवरी पर इस लीगो की टीम को नोबेल प्राइज दिया गया था। अब ये जो लैब अमेरिकन है ये तमिलनाडु में भी आ रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए पैसा लगाया है और ये लोग इस पर फर्दर रिसर्च करेंगे, यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं वो हमारे सामने उजागर करेंगे, हमें और बताएंगे कि हमारे यूनिवर्स में क्या है, ब्लैक होल कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में है। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। नोट कर लें लीगो का पूरा नाम क्या है और लीगो करती क्या है। आइए आठवें सवाल पे चलते हैं। द एक्रोनिम रीट कैन बी एक्सपेंडेड एज, यानी एक्रोनिम रीट का पूरा नाम क्या है, इट कैन बी एक्सपेंडेड एज वॉट। तो आपका पहला ऑप्शन है, चलिए मैं आपको करेक्ट आंसर इसका दे देता हूं, वही आपका पहला आंसर है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले कुछ एक दिनों में जो हमारा नेशनल स्टॉक इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, NSE है, उसने दो नए इंडेक्स भी जारी किए हैं। एक जो इंडेक्स है वो रीट का है और दूसरा इंडेक्स है इनविट का। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले। मैं आपको बता देता हूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है ब्रीफ में। देखिए जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आप क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप इतना भारी भरकम जो शेयर है बॉन्ड है वो खरीद नहीं सकते। आपके पास मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 लेके आप स्टॉक बाजार में तो जा नहीं सकते, बड़ा भारी भरकम काम है। तो आप क्या करते, आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते जहां आप जैसे और लोग भी हैं और उस पैसे को आगे जो फंड मैनेजर है वो बाजार में लगाता है, शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है। इसी तरह से अगर आपका मन है कि भाई साहब मैंने तो रियल एस्टेट खरीदनी है लेकिन मेरे पास तो 2,00,000 है, तो 2,00,000 से तो आपको कोई घर का प्लॉट भी नहीं मिलेगा, किसी गांव में भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे किसी म्यूचुअल फंड को अपना पैसा देंगे जो आपके पैसे से रियल एस्टेट खरीदता है। और ध्यान दीजिए रियल एस्टेट ये कौन सी खरीदता है, ये टिपिकली जो फंड होते हैं रीट वाले ये खरीदते हैं ऑफिस स्पेस, यानी कमर्शियल स्पेस खरीदते उसको आगे देते हैं किराए पे, और जो किराया वहां से आता है उसको ये बांटते हैं प्रॉफिट के तौर पर इन्वेस्टर के बीच में। तो ध्यान दीजिए ये जो तरीका होता है उस म्यूचुअल फंड का जिसमें रियल एस्टेट बाय की जाती है उसको बोला जाएगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसी तरह से इनविट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड होता है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके बारे में NSE ने कुछ पीछे चेंजेस किए हैं, कुछ इंडेक्स वगैरह लॉन्च किए हैं, तो आपको सवाल पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं, हमारा आज का 9th क्वेश्चन है। आपने लिखा है सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ ASPA। देखिए ASPA पहले भी काफी चर्चा में रहा है, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल लॉ है। पहले इसका पूरा नाम लिख लें कि इसका मीनिंग क्या है और वहीं से आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या चीज है और ये क्यों चर्चा में रहा है। तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए, ये है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। देखिए हमारे देश के जो कई क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब है किसी जमाने में, चंडीगढ़ है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, ये डिस्टर्ब्ड रहे, अशांत क्षेत्र रहे हैं। तो वहां पर जो आर्मी है जो उनसे डील कर रही एरिया में, या जो और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। मसलन पुलिस आपके घर वैसे तो बिना वारंट के आ नहीं सकती, सर्च भी नहीं कर सकती, आपको पकड़ भी नहीं सकती, लेकिन इनको जो AFSPA है ऐसी पावर्स देता है। तो कुछ खास पावर्स हैं और जब आप खास पावर्स देते हैं तो थोड़ा मिसयूज भी होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्प्यूट है कि इसको लागू रखा जाए या हटाया जाए, काफी डिमांड भी है कि हटाया जाए। तो जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मणिपुर है या मिजोरम है, अरुणाचल है, वहां पर ये लॉ लागू रहा है। और ये लॉ जो है किसको पावर देता है, आर्म्ड फोर्सेस को देता है और देता है वहां की सेंट्रल पुलिस फोर्स, जैसे BSF है, CRPF है, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, तो दोनों को पावर देता है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा बोथ C&D, AFSPA। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। द RBI हैज आस्क्ड द इंडियन बैंक्स टू एंश्योर एन अर्ली ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट, यानी RBI ने बैंकों को क्या कहा है कि जल्दी से जल्दी इस चीज से अपना नाता तोड़ लें। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां पर बनता है, जो कि वैसे भी इन जनरल पेपर में बहुत आ चुका है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो जान लीजिए उसका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है LIBOR।
इसको बोलते हैं हम लाइबॉर। देखिए जैसे लाइबॉर लंदन में होता है, दिस इज लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यानी लंदन में जो बैंक सिचुएटेड हैं वो आपस में एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते हैं, कोई किसी को उधारी देता है दूसरा उधारी लेता है, तो कौन से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। मान लीजिए ए बैंक है, उसने बी बैंक को थोड़ी देर के लिए पैसे दिए, तो जो बी वाला है वो कितना ब्याज की दर पर पैसे देगा, कितना ब्याज उसे देगा, इंटरेस्ट रेट कितना देगा, वो चीज़ कहलाती है लाइबॉर। जिस तरह से लाइबॉर है मुंबई में, इसी तर्ज पर हमने बनाया है माइबॉर, यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यानी मुंबई के अंदर जो बैंक है वो आपस में लेन देन का क्या रेट तय करते हैं। तो ये जो रेट होता है एक बेंचमार्क रेट है, इससे डिसाइड होता है कि आगे बाकी इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। तो आरबीआई ने इंडिया में बैंकों को बोला है कि वो जल्दी से जल्दी लाइबॉर से अपना नाता तोड़ लें, ट्रांजिशन कर लें, चेंज कर लें। बाकी चॉइसेस के बारे में आपको बता देता हूं। इंडिया में जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है, आपके जो लोन रेट है, जो बैंकों से आप लोन लेते हैं कौन से रेट आप पर लगते हैं, वो डिपेंड करेगा इस पे MCLR पे। इसका नाम नोट कर लें पूरा, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी इस रेट से नीचे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। ये RBI का रूल है। हर बैंक का एक MCLR है, उसकी अपनी कॉस्ट है फंड्स की, उससे नीचे वो आपको लोन नहीं देगा, MCLR। फेड रेट जो है ये अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जिस रेट पर वहाँ के बैंकों को लोन देता है, यानी जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट होता है, आप ये मानिए कि जो फेड रेट है ये अमेरिका का रेपो रेट है। ठीक है जी, सिंपल भाषा में रेपो रेट वो रेट है जो RBI बैंकों से चार्ज करता है। मान लीजिए मैं PNB हूँ, मैंने RBI से कर्जा लिया, थोड़े दिनों के लिए लिया, शॉर्ट टर्म के लिए लिया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म बॉरविंग पे, उसको बोला जाएगा रेपो रेट। और जो बैंक रेट है ये रेपो और बैंक में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि जो बैंक रेट है ये लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट है। यानी मैं PNB हूँ, मैंने RBI से लोन लिया 1 साल 2 साल 4 साल के लिए, जो रेट मुझे देना पड़ेगा वो होगा मेरा बैंक रेट। सो ये लॉन्ग टर्म का रेट है जो बैंक RBI को देते हैं, रेपो रेट शॉर्ट टर्म का रेट है जो लोग बैंक RBI को देते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। मुझे उम्मीद है कि जो 10 क्वेश्चन हमने आपके लिए आज सेलेक्ट किए हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं, इससे आपको बहुत से नई बातें पता चली होगी, और आने वाले दिनों में जो पेपर हैं आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपको मदद मिली है, ये प्रोग्राम पसंद आता है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और लोगों को भेजें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं अगले कुछ एक क्वेश्चंस के साथ, तब तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी करते रहिए। शुक्रिया।